प्राण शब्द के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, पर वी कैन से इट्स अ वाइटल एनर्जी, हम इसे बुनियादी ऊर्जा कह सकते हैं। जिसे हम जीवन ऊर्जा कहते हैं वही प्राण है। प्राण 10 अलग अलग रूपों में शरीर में मौजूद है, पर समझने के लिए हम बस 5 पर ध्यान देंगे। इन 5 को पांचवायु या पंचवायु कहते हैं। ये प्राणवायु, समान वायु, उदान वायु, अपान और व्यान हैं। दे आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ व्हाट हैपेंस इन दिस ह्यूमन मैकेनिज्म। इनका काम मानव तंत्र में मौजूद विभिन्न आयामों की देखरेख करना है। अगर इस विषय की गहराई में जाएं तो वो अंतहीन हो जाएगा। मैं कम से कम शब्दों में इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखरेख करना यानी यम मतलब नियंत्रण करना, प्राणायाम मतलब वो विधि जिससे आप इन 5 को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आपका शरीर कैसे काम करता है, आपका मन कैसे काम करता है, पूरा शारीरिक ढांचा कैसा है, ये मानव तंत्र कैसे काम करता है, ये प्राण ऊर्जा से तय होता है। ये एक ऊर्जा है, ये एक बुद्धिमान ऊर्जा है, यानी इसमें एक खास मात्रा में याददाश्त है। हर इंसान के कर्मों की याददाश्त इस ऊर्जा पर छपी होती है। तो हर इंसान में प्राण अलग तरीके से काम करता है, हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल अलग। ये बिजली की तरह नहीं है। बिजली स्मार्ट नहीं होती, उससे रोशनी होती है। रोशनी का बल्ब और कैमरा चल सकता है, इससे एयर कंडीशनिंग चल सकती है, ये लाख चीजें कर सकती है, पर अपनी बुद्धि के कारण नहीं। ये एक ही काम करती है हमेशा, किसी विशेष उपकरण के कारण एक निश्चित चीज होती है। पर मैं आपको बता रहा हूं, यह भविष्य में होगा कि आपके पास स्मार्ट बिजली हो सकती है। यह बहुत दूर नहीं है, अगले 50 वर्षों में आपके पास स्मार्ट ऊर्जा हो सकती है जो एक विशेष तरीके से व्यवहार करेगी। आप उससे खास तरीके का व्यवहार करवा पाएंगे क्योंकि आप उस पर याददाश्त छाप सकेंगे। तो ये एक बुद्धिमान ऊर्जा है, इसमें एक निश्चित मात्रा में छाप है, इस वजह से ये हर व्यक्ति में अलग तरीके से काम करती है। तो प्राणायाम का एक बहुत विशेष रूप वो होता है जिसमें हम विशेष रूप से किसी व्यक्ति के लिए कुछ डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो एक अलग इंसान है। उसके लिए उस स्तर पर आने के लिए एक सामान्य प्राणायाम जरूरी है जो 5 वायुओं का ध्यान रखेगा। अगर इन 5 वायुओं पर महारत हो तो शारीरिक बीमारी या विशेष रूप से मानसिक बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर कोई अपने प्राणों को अपने हाथों में ले लेता है तो बाहरी वातावरण जो भी हो, जो भी कंपन, तरंगें, भावनाएं या दूसरे कोई भी दबाव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति के मानसिक संतुलन की 100% गारंटी है जो अपने प्राणों को संभाल लेता है। संतुलन से मेरा मतलब है, शायद डॉक्टर आप में से ज्यादातर लोगों को असंतुलित नहीं बताएंगे, पर कई लोग मानसिक रूप से असंतुलित हैं। मान लीजिए आपका हाथ ऐसा है, मान लीजिए कि यह हाथ अभी उछलने लगे और आपकी आंखों में उंगली डालकर आपको खरोंचने और पीटने लगे। अगर आपका हाथ ऐसा करे तो यह बीमारी है ना? कम से कम आपका हाथ बीमार है। चलो मैं पूरे व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा, कम से कम आपका हाथ तो बीमार है ना? ज्यादातर लोगों का मन बस यही कर रहा है। हर दिन ये आपको अंदर से खरोंचता है, रुलाता है, बामला बनाता है, चिंता देता है। दुख की कई किस्मों में ये कई बार आपकी अपनी आंखें नोच लेता है। क्या ऐसा नहीं है? It is sick. ये बीमार है। शायद समाज इसे स्वीकार ना करे, पर यह बीमार है। तो जो अपने प्राणों को अपने हाथों में ले लेता है वो 100% भरोसा कर सकता है कि उसका मानसिक संतुलन बना रहेगा। आप उसे नहीं हिला सकते। शारीरिक संतुलन भी होगा, पर शारीरिक बीमारियां कई कारणों से हो सकती हैं। एक बात है इन्फेक्शन और दूसरे सूक्ष्म जीव जो जीना चाहते हैं। हाँ, वो जीना चाहते हैं। एक और चीज है विभिन्न प्रकार के रसायन और जहर जिन्हें हम जाने अनजाने में निगल सकते हैं और उससे कई चीजें हो सकती हैं। तो शारीरिक बीमारियां, मैं कहूंगा कि 90% तक गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मानसिक खुशहाली की 100% गारंटी है। अगर आप मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं तो 10% शारीरिक समस्याएं कोई समस्या नहीं होती, वो कोई समस्या ही नहीं है। ज्यादातर समय शरीर में जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता, आपके मन में जो प्रतिक्रिया होती है वही समस्या है ना? हाँ, है ना? तो प्राणायाम मतलब आप बुनियादी ताकतों को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, उनमें अपनी बुद्धि है। उन सभी में जन्म के दौरान, गर्भधारण के बाद, वो नवजात शिशु में जैसे प्रवेश करते हैं और वो मृत शरीर को जैसे छोड़ते हैं, इससे साफ पता चलता है कि उनमें अपनी एक बुद्धि है। जब तक आप इस बारे में बहुत सचेत नहीं होते तब तक आप इस पर ध्यान नहीं दे सकते। अगर आप मुझसे पूछें तो यह अपने आप में एक दुनिया है। इसके लिए एक खास स्तर का ध्यान देना होगा। शायद ध्यान शब्द से बात स्पष्ट ना हो। मैं ध्यान शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि दूसरे शब्दों के गलत अर्थ लगाए गए हैं, जागरूकता वगैरह शब्दों के गलत अर्थ लगाए गए हैं। तो मैं ध्यान शब्द का उपयोग कर रहा हूं, पर ध्यान शब्द से साफ पता नहीं चलता कि क्या जरूरी है। सिर्फ मानसिक सतर्कता काफी नहीं है, आपको वाकई ध्यान देना होगा। अगर आप खुद को ऐसा बना लें तो आप जान जाएंगे कि ये पांचों कैसे काम करते हैं।